हाँ बच्चों, तो हम कल पढ़ रहे थे अभी तक नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में, बेसिक मैथ में पढ़े थे। आज हम बेसिक मैथ में थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, जो कि अभी क्लास टेंथ की ही चीजों पे चल रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं हम आपको, कि आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और थोड़ा रेशियोज वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कंपोनेंटो, डिवाइडेंडो, रेशियो ये वगैरह, रेशियो और प्रोपोर्शन, ये सब यूज होता है जो ये सब चीजों का, क्योंकि ये सब चीजें एक बार पढ़ेंगे पूरे 2 साल 3 साल के करियर में हम यूज करते चले जाएंगे कि इस मेथड से अप्लाई होता है और ये चीज आएंगी। उसके बाद से सेकेंड, जब ये आपका रेशियो वगैरह खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आगे थोड़ा बात करेंगे उस पर लॉग के, क्लास 11th के टॉपिक पे चले आएंगे, जो कि लॉग के बारे में बात करेंगे। लॉग का भी अभी जो है कि बहुत सारे मतलब सिलेबस में, IIT के सिलेबस में एज सच लॉग चैप्टर तो नहीं है, पर एक चीज है कि लॉग का यूज बहुत जगह है। मेनली कहीं भी फंक्शन में आपका लॉग का ये सवाल आएंगे, आपका कहीं फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, तो बहुत सारा लॉग का यूज है। इसलिए हम लॉग की चीजें भी आपको पढ़ाएंगे, बेसिक चीजें जो उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा वो नहीं जो IIT के में आती थी पहले, वो सब नहीं, लेकिन जो बेसिक है जो पूरे ओवरऑल 2 साल के दौरान चलेंगी वो भी पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद लॉग के बाद उस लॉग की इनइक्वालिटी, फिर अलजेब्रा की इनइक्वालिटी, और उसके बाद तब आपका 11th का जो बेसिक है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ में ही रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। याद रखेंगे कि इसकी क्या बात है, 2 थ्योरम को मिला के बना है। पहला अगर इसका है मैं कहूं तो पहला है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपकी वो थ्योरम होती है, इसके जरा सा याद करो कि आपका एक चीज रिमाइंडर थ्योरम जैसे लाइक ऐसे मैं कहूं कि px कोई एक पॉलिनोमियल है, अगर px इज डिवाइडेड बाय, px कोई भी एक पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय कोई, मान लो कि x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि देन आपका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए, डायरेक्ट ये ए वाली वैल्यू उठाकर रखते हो इसमें, वही आपकी उसकी रिमाइंडर हो जाएगी। यहां पे मैं थोड़ा सा एक वर्ड लिख देता हूं, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन देन रिमाइंडर हो जाएगा पी ऑफ ए, यानी सीधे ये वैल्यू उठा के एक्स इक्वल टू ए उठा के इसमें रख देंगे तो वो हो जाएगा इसका रिमाइंडर। फिर सेकेंड, तो फैक्टर थियोरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है आपका ये कि अगर इस बार देखो बिल्कुल ऐसी ही अपोजिट है कि अगर इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, मगर मतलब ये हुआ कि अगर हमने जो ये पी ऑफ ए निकाला है रिमाइंडर, अगर वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपके सामने, जैसे मैं थोड़ा सा एक चीज आपको दिखा दूं, एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए ये चीज कि कैसे याद, क्या आपको बचपन से ये बात करते आए होंगे, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 20 को आप 4 से डिवाइड करो, 20 को 4 से डिवाइड करो तो आप लिखते हो कि ये आया आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसमें आप इसमें ये कोसेंट 5 आएगा और रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो मान लो कि हम कहें कि हमने 20 को 4 से डिवाइड किया है तो 5 आपको, 20 को मैं 4 से नहीं, 20 को मान लो कि मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा तो 6 इंटू 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा +2। तो ये पूरा लिखने का तरीका है जिसमें इसको हम बोलते हैं कि ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइडेंड है और ये आपका 6 कोसेंट है। अगर 6 कोसेंट है तो 3 अगर इसका डिवीजर है तो 2 इसका रिमाइंडर है। ये पूरा आपका सिस्टम बन गया, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे भी ये बात हम जब लिखेंगे तो ये चीज तरह से लिखेंगे, मतलब कि किसी भी चीज को आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजर इनटू समथिंग कोसेंट प्लस रिमाइंडर ऐसा हो रहा है। कोई भी नंबर डिवाइड होगी तो
कोसेंट इंटू ये आपका डिवीजर इंटू समथिंग कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि एक पी एक्स ये आपका पॉलिनोमियल है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि अगर पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, मतलब बच्चों पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है अगर, और आपको इसको डिवाइड किया जा रहा है डिवाइडेड बाय किसी, डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से, तो नाउ पहले तो इसको लिखने का तरीका सीखेंगे कि नाउ वी कैन राइट एज हम लिख सकते हैं पी एक्स को लिख सकते हैं समथिंग कोसेंट इंटू डिवाइडेंड यहाँ पे है x माइनस a और समथिंग रिमाइंडर आर एक्स। मैं इस आर एक्स को कैपिटल आर एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे ये आपका हो जाएगा डिवाइडेंड जिसको कि आपको डिवाइड किया जा रहा है, ये हो गया कोसेंट कोसेंट, और ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो बच्चों ये बात हम याद रखेंगे कि पहले हमको लिखना आना चाहिए ये रिमाइंडर, ये फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला जरूरी जो चीज है वो लिखना आना चाहिए। सेकेंड ये आपका और एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने जो थ्योरम कहा है इसको मैं ना एकदम बिल्कुल आपको ये मैं इसको घेर देता हूं कि ये चीज तो जरूरी है आना, कि ये हमको आना ही चाहिए लिखना, तभी हम आगे की बात कर पा रहे हैं। आराम आराम से चल रहे हैं हम आपका। फिर इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे एक तो सवाल करा देते हैं, जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल में लिख रहा हूं, देखो कि मान लो क्वेश्चन लिख रहा है कि फाइंड, बच्चों लिखा सवाल फाइंड रिमाइंडर इफ x माइनस थ्री डिवाइड्स, या मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि इफ x स्क्वायर माइनस 5x+7 डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं x माइनस थ्री से तो कितना कोसेंट आएगा, तो सबसे पहला मेरा धर्म बनता है, ये हमारा प्रथम धर्म है कि px बराबर मैं लिखना सीखूं कि px की वैल्यू है 5x² + -5x+7, ये हमें px दे रखा है। इसको किससे डिवाइड कर रहा है, x माइनस थ्री से, ये डिवाइड हो रहा है x माइनस थ्री से। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भाई डिवाइड होने के बाद आपका रिमाइंडर वो होता है जो सीधे सीधे p ऑफ a हो जाता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि अपने दिमाग में ऐसे लेके चलो कि डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर निकालना है, मतलब इसको कहीं एक जगह उठा के x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रख लो, मतलब x बराबर थ्री, मतलब आपको x के जगह पे 3 उठाकर रख देना है, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों, तब अपने दिमाग में हमने रख लिया कि जो r हो जाएगा, r x या r हो जाएगा, वो आपका यहां से p में 3 उठा के रख देना है, जहां जहां x है वहां वहां 3 उठा के रख देना है। उठा के रखा तो ये 3² - 5 × 3+7 आ गया 9 9 - 15+7, ये आ गया बच्चों 9 में से 15 जाएगा -6 और +7 हो जाएगा आपका +1, तो रिमाइंडर आ गया +1। बच्चों देखो एक और सवाल करते हैं अपन लोग, एक और सवाल करते हैं ऐसे ही कि अगर मान लो आपसे ये कहता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स, इस बार मैंने पी एक्स ही लिख दिया, x⁴ - 3x+1, अगर इसको डिवाइड किया जाए डिवाइडेड बाई x+1। तो देखो बच्चों इस बार x+1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, x+1 = 0, मतलब x बराबर यहां से क्या आ गया, x = -1 आ गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यह हो जाएगा आपका r बराबर p, आप सीधे 1 रख देंगे,
क्या रख देंगे, ध्यान से देखो, p बराबर सीधे x बराबर माइनस वन रख देंगे, जहां जहां x है, इसका मतलब होता है जहां जहां x है वहां वहां हमें माइनस वन रखना है। हमने माइनस वन रखा तो ये हो जाएगा माइनस वन का पावर फोर माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, और आपको इतना गुना भाग आता होगा कि माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर वन माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन, ओवरऑल आंसर हो गया फाइव, मतलब रिमाइंडर आपका आ गया पांच। ये तो अभी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, अब थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम पे सवाल एक दो सवाल करेंगे। देखो फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे है, और इस फैक्टर थ्योरम पे निकाल के फिर दोनों थ्योरम को कंबाइन कर देंगे, किसको, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को कंबाइन कर देंगे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कंबाइन कर देंगे तो वही हो जाएगा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, और वही वो कंबाइन करने का यही वाला जो फंडा है वही एक कंबाइन किया जा रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम पे सवाल करते हैं अब, तो अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर हमारे रिमाइंडर थ्योरम का सवाल लिख लिया, कुछ फैक्टर थ्योरम के सवाल लेके फिर मैं सबको समराइज करता हूँ। देखो कैसे, मान लो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि ये कि चेक एक्स माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव आर नॉट, ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहला काम लिखना सीखेंगे। देखो ये है p ऑफ x बराबर थ्री एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस टू एक्स प्लस फाइव हमने लिखा, फिर अब हमको पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो ये पूछा है कि x माइनस थ्री के बारे में पूछा है। देखो फंडा बता रहा हूं एकदम तरीका बेसिक, इसको पहले जीरो कर ले, जीरो करने के बाद हमको पता चला यहां से एक्स बराबर तीन, तीन पता चल गया, तो हम यहाँ पे x बराबर रख देंगे तीन, रखते ही p आप तीन निकला, क्या थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री प्लस फाइव, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व किए तो ये नौ में तीन मल्टीप्लाई हुआ ट्वेंटी सेवन, माइनस तीन में दो मल्टीप्लाई हुआ छह प्लस फाइव, और हम देखे इसको सॉल्व करें तो सत्ताईस में से छह जाएगा इक्कीस बचेगा, इक्कीस में पांच जोड़ेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, ओवरऑल ये आ गया ट्वेंटी सिक्स। अब ये आप देखो तो 26 हो गया, तो p ऑफ 3 की वैल्यू 26, क्या ये बोला था फैक्टर थ्योरम कि अगर p ऑफ a 0 होता है तब ये इसका फैक्टर होगा, p ऑफ a 0 नहीं हुआ नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयर फोर यहां पे लिखेंगे कि x माइनस थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ आपका कितना लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, ये फैक्टर नहीं है। अच्छा अगर फैक्टर नहीं है तो अभी हमने लिखा है कि पी एक्स के जगह पे हम इसको लिख रहे हैं, इसको बराबर हमने पी एक्स लिखा हुआ है, जरा इसका मैं एक स्टेप बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर रहा हूं, इसको समझने जानने की चीज है बच्चों आपके लिए, कि इसको थोड़ा सा आगे किया हमने कि ये आया है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव पी एक्स आया, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक्स माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस थ्री से, तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हमको इस इक्वेशन पॉलिनोमियल को लिखना आना चाहिए, कठिन नहीं है, देखो कितना सही तरीके से अपन लिखेंगे कि भाई देखो क्या लिखा अभी हमने थोड़ी देर पहले कि पी एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा कुछ कोसेंट, ये क्यू एक्स का मतलब कोसेंट इंटू डिवीजर का मतलब एक्स माइनस थ्री प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे आपका रिमाइंडर है पी ऑफ थ्री। देखो इसी चीज को एक और तरीके से, पी ऑफ थ्री की वैल्यू अपने पास 26 आई हुई है, तो फिर से दोबारा मैं लिख रहा हूं कि भाई यही पी एक्स जो है इसकी वैल्यू, मैं बार बार आपको यहाँ पे फोर्स कर रहा हूं यही बात है कि इसी तरह से अपन लोग लिखेंगे कि ये क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री और पी ऑफ थ्री की वैल्यू सवाल की तरफ से मिला है अपने को 26, ये हमने पूरा लिख दिया, ये आपका लिखने का तरीका हो गया, पी एक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, लेकिन अपन रिप्रेजेंट करते साथ साथ चलेंगे, बोलो मेरे साथ 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 ऐसे रहेगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल आपका है कि चेक, फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि चेक आपका ये कह रहा है कि चेक 2x प्लस 2x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ आपका सवाल दे रखा है px इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर आर नॉट, ये इसका है कि नहीं? तो बोलो बच्चों जरा सा आप इसको सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है इसका फैक्टर, मैं बस आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, मैं वेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं वेट कर रहा हूं, आप वीडियो रोक के आप इसको बना सकते हो, बाकी जो लोग कर रहे हो जल्दी से करके हमें बता दें। तो ये आपका इसको सॉल्यूशन देखो मैं करने जा रहा हूं कि अगर बोला है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसको जीरो करेंगे अपने मन में, आप चूंकि अपने मन के बजाय मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसको जीरो किया तो एक्स बराबर आया माइनस थ्री बाई टू, तो हम यहाँ पे रखेंगे कि हम निकालने वाले हैं माइनस थ्री बाई टू। निकालते ही निकाल के मुझे बता दो कितना आ रहा है माइनस थ्री बाई टू, निकालो तो बच्चों। निकाला हमने यूज किया, ये आ गया 9 बाई फोर, यह आ गया प्लस 9 बाई टू, यह आ गया प्लस 4, और ये किसी भी सूरतिया हाल में जीरो नहीं होगा, मतलब कि ये फैक्टर नहीं है, मतलब ये हुआ कि नॉट अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो जरा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाता हूँ कि कैसे इसका और भी थोड़ा सा एक दो सवाल ले लेते हैं फटाफट की कैसे ये चीजें आपकी फैक्टर होंगी और कब नहीं होंगी। देखो मान लो कि एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं, एक और क्वेश्चन ऐसे मान लो मैंने ले लिया आपको इस बार है कि सो दैट एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका ये फैक्टर है। फिर से क्या करेंगे बच्चों, फिर से लिखेंगे, लिखने का तरीका कि भाई हमारे लिए आज के दिन में पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और हमें चेक करना है एक्स माइनस टू का, किसका चेक करना है एक्स माइनस टू का, तो इसको हम बराबर जीरो करके एक्स बराबर टू देख लिए, तो पी आप टू रिमाइंडर निकाल रहे हैं, या हम तो एक्चुअल में कर रहे हैं कि रिमाइंडर, ये वही बात है कि जिस दिन जैसे मान लो आप 20 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आ गया, आप कहेंगे कि पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब वो उसका एक फैक्टर हो गया, डिवाइड नहीं होता है तो हम बोलते हैं इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो वही आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं, पी आप टू निकाल रहे हैं, ये आया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर दुनिया वाले हमेशा बोलते हैं 4 और आप भी बोलेंगे शायद 4, और ये प्लस 2 आ गया 0, क्या बात है, वाह शाबाश, ये आया पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या क्या हो गया कि दिस इज द फैक्टर, यस प्रूफ हो गया दिस इज द फैक्टर, बस यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अच्छा लिखेंगे कैसे, राइट कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर होता है क्यू एक्स, कोई एक कोसेंट क्या है नहीं पता, बार बार मैं बोल रहा हूं क्या है अपने को नहीं मालूम, मतलब भी नहीं है अपने को कि क्या आने वाला है, कोई मतलब नहीं है, ये पता है कुछ कोसेंट आएगा प्लस इंटू कोसेंट इंटू किससे डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस टू से प्लस, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका हो जाएगा आर एक्स, मैं लिखता हूँ रिमाइंडर को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आपका हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को डिवाइड किया गया, कुछ कोसेंट आया होगा एक्स माइनस टू से प्लस रिमाइंडर इस बार जीरो आ गया, तो हमने ऐसे लिख दिया। बोला बच्चा बात समझ में आ गई, अब आपका ये रहा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, मतलब ये रहा रिमाइंडर और फैक्टर, तो रिमाइंडर थ्योरम अलग, फैक्टर थ्योरम अलग, रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल ले रहे हैं, अब थोड़ा सा हम दोनों को कंबाइन करके सवाल कैसे करते हैं। देखो ये कंबाइन ये करने का तरीका है कि देखो यहाँ पे हम क्या लिख दिए कि यहाँ पे रिमाइंडर फैक्टर सब पता चल गया कि ये देखो फैक्टर हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया तो रिमाइंडर नॉन जीरो होगा तो फैक्टर नहीं होगा, तो ये कंबाइन करके लिखना है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है। अब जरा सा आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या आएगा, तो अब जरा हम सवाल करते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे। देखो कैसा सवाल होगा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे, सवाल ऐसे मान लो, सवाल पे आने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ कि क्या चीजें रहती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो पहली बात है कि अगर आप कभी भी, देखो मान लो कि कोई एक डिविजन है, डिविजन मतलब समझ रहे हो ना कि ये पी एक्स बराबर लिखा जा रहा है क्यू एक्स इंटू, यहाँ पे कुछ आपका ये एक्स माइनस ए प्लस ए आर एक्स लिखा गया है, तो यहीं पे ये आपका इसमें डिवाइड किया जा रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि ये डिवाइडेंड है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि यही आपका कोसेंट है,
ये आपका कोसेंट है और इसको यही आपका डिवीजर है। तो अब देखो खास बात जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, मैं दिखा भी सकता हूं आपको, या आप आपका लॉन्ग टर्म डिवीजन से कभी आपने बनाया होगा घर पे, या पहले क्लास 9th-10th में बनाया होगा तो आपको याद होगा कि रिमाइंडर वगैरह कैसे सब निकालते हैं लॉन्ग टर्म डिवीजन से। तो बस मुझे एक चीज यहाँ पे आपको ऐड करना है कि अगर इफ, देखो अगर इफ डिवीजर, डिग्री तो जानते होगे थोड़ा बहुत, कि या ऐसे मैं कहूं कि इफ डिवीजर, डिवीजर इज लीनियर, अगर डिवीजर लीनियर हुआ, लीनियर का मतलब जिसमें ये एक्स सिर्फ एक्स का एक्स की पावर एक हो, मतलब लाइक ऐसे ए एक्स प्लस बी टाइप, अगर इस टाइप का हुआ तो देन आप ये ध्यान रखना कि देन जो रिमाइंडर होगा, देन जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब पीछे हम देख भी रहे थे, कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसे टाइप का 2, 3, 4, -1, 5 ऐसे टाइप का कुछ एक कांस्टेंट आएगा रिमाइंडर, अगर किसकी, अगर इसकी डिवीजर की डिग्री लीनियर हुई तो, मतलब ये x प्लस ए या x माइनस ए या ये कुछ ए एक्स, मैं इसको p थोड़ा लिख रहा हूँ, पी एक्स प्लस क्यू टाइप का हुआ, या थोड़ा और लिख रहा हूँ इसको एम एक्स प्लस एन टाइप का, पीछे वजह बताता हूं कि इसके पीछे लिखने की वजह क्या है। अच्छा ये, या अगर मान लो मैं कहूं कि अगर डिवीजर, यही बस आपको ध्यान देना है और यही बस बेसिक फंडा आपका काम बन जाएगा कि अगर इफ डिवीजर इज क्वाड्रेटिक, इफ डिवीजर इज क्वाड्रेटिक, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ा है इसलिए हमको लिखने में कोई झिझक नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब कुछ ऐसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, अगर इस टाइप का डिवीजर हुआ देन जो रिमाइंडर होगा, देन जो बच्चों रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, मतलब रिमाइंडर की डिग्री एक कम। ये ध्यान रखना, जितना आपका, जब कभी भी ध्यान रखना ये बात कि जितना डिवीजर की डिग्री होगी उससे एक कम डिग्री रिमाइंडर की होगी, मतलब मैक्सिमम डिग्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही होगी, हो सकता है कांस्टेंट भी आ जाए ये, तो मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट डिग्री रिमाइंडर की एक कम होगी, मतलब कि आपके पूरा चांस है कि ए एक्स प्लस बी टाइप का, मतलब कि अगर मैं किसी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स टाइप से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुछ एक्स माइनस टू या थ्री एक्स माइनस फाइव या एक्स माइनस एक्स प्लस टू ऐसे टाइप का कुछ रिमाइंडर आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिवीजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकता है, और मैक्सिमम 1 डिग्री को लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी, ध्यान रहे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट थर्ड, अगर ऐसी आप, आपके समझ में आ चुका हो कि मैं क्या लिखना लिखने वाला हूं, इफ डिवीजर, इफ डिवीजर इज क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है बच्चों क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, देखो ये डिग्री 3 है, देखो ये मतलब एक्स की पावर मैक्सिमम 3 टाइप का हो, जरूरी नहीं कि वो सारे टर्म आए हो लेकिन ऐसे मैक्सिमम पावर 3 हो, देन जो आपका, देन जो रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों आर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक फंडा है, एकदम याद रखना, इसी पे सवाल मैक्सिमम बनते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक फंडा है ये कि अगर आपका, किसके ऊपर हमारी नजर कहां जानी चाहिए, तो तुरंत डिवीजर के ऊपर कि डिवीजर कितने का कह रहा है, अगर डिवीजर 1 डिग्री का बोला है, लीनियर बोला है, तो उसका रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा, अगर डिवीजर 1 से ज्यादा डिग्री 2 डिग्री का बोला है तो रिमाइंडर लीनियर आएगा, मतलब एक से दो एक्स प्लस बी टाइप आएगा, और अगर क्यूबिक है तो रिमाइंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं सवाल लेता हूं, जैसे मैं एक सवाल लेता हूं कि क्या सवाल में कहना चाहता है, और बेसिकली इसी वाले चीज को हम याद रखेंगे, सवाल आपका ये कहना चाहता है, देखो सवाल ध्यान से समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, सवाल मेरे साथ साथ लिखते रहो, पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन
इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन देन रिमाइंडर इज फाइव एंड इफ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू देन इस केस में इसका रिमाइंडर दे रखा है आपका रिमाइंडर इज माइनस वन रिमाइंडर इज माइनस वन देन फाइंड देन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड रिमाइंडर सवाल देखो क्या बोल रहा है देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन बहुत सारे बच्चों को आ भी रहा होगा क्लास टेंथ में पढ़ा भी होगा देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई सेम चीज को डिवाइड कर रहा है डिवाइडेड बाई देखो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू मतलब इन दोनों के मल्टीपल से डिवाइड कर रहेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा वो हमको बताना है ठीक है कितना रिमाइंडर आएगा यही बात अपने को बतानी है बच्चों तो देखो एकदम सिंपल सा सवाल है इसको अपन लोग करेंगे एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे जिसको बनाना है वो तुरंत यही कहीं वीडियो रोक के चाहे तो बना सकता है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है बच्चों कि बोला है कि पॉलिनोमियल px है कि क्या पॉलिनोमियल है px है बोला है कि जब इसको जिस दिन हमने x माइनस वन से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या दे दिया देखो सवाल में पांच सवाल को पहले हिंदी में मतलब समझ लेते हैं हिंदी में मतलब समझना जरूरी है डिवाइडेड बाई x प्लस टू जिस दिन x प्लस टू से भागा किया गया डिवाइड किया गया तो क्या रिमाइंडर दे दिया माइनस वन तो कह रहा कि किसी दिन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया गया x माइनस वन एक्स प्लस टू तो आप रिमाइंडर बता दो सवाल ने दे दिया एक हमसे पूछ लिया कितना शानदार है मतलब मिला जुला काम हो रहा है यहाँ पे तो बताओ px को डिवाइड किया गया था तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि लिखने का तरीका आना चाहिए राइटिंग आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं लिखने का तरीका आना चाहिए तो देखो क्या है px को डिवाइड किया गया किससे x माइनस वन से तो मैंने कहा कोई एक रिमाइंडर आया होगा qx तो देखो मैं थोड़ी देर के देखो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही और ध्यान से मेरे चीज को देखते रहोगे तो बीच में मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा अभी x माइनस वन और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आता है मैंने कहा पे कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ rx आता है यही अपने लिखने का तरीका है तो देखो सवाल में मैं अब एक्चुअल में लिख रहा हूं कि px को डिवाइड किया तो ये q मैंने कहा q1x नाम ही है भाई q q1 q2 सब नाम है तो q1x एक कोसेंट है x माइनस ये है और रिमाइंडर कितना है इसका तो रिमाइंडर है 5 मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि ये जो 5 है वो गिवन क्या है यहां देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन क्या है इसको देख के गिवेन है कि p ऑफ 1 की वैल्यू ध्यान से देखो तो मेरे बच्चों जिस दिन मैंने क्या कहा कि px को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सवाल में कितना होता है रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है रिमाइंडर तो p ऑफ 1 होता है x इक्वल टू 1 उठा के p में पुट कर देंगे रिमाइंडर कितना होता है p ऑफ 1 और यहाँ पे तो वही p ऑफ 1 हमारे लिए तो p ऑफ 1 हुआ लेकिन सवाल अपनी तरफ से बोला है कि p ऑफ 1 की वैल्यू 5 है बोलो इतनी बात समझ में आ गई फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो कि px को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में वो आपका रिमाइंडर थ्योरम से कहता है कि px की जब px को डिवाइड करेंगे x माइनस वन से तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ 1 कितना रिमाइंडर आएगा p ऑफ 1 और सवाल कह रहा है कि आप हमने डिवाइड करके हमने देखा है तो 5 आया हुआ है मतलब सवाल अपनी तरफ से p ऑफ 1 की वैल्यू 5 दे दिया बिल्कुल क्लियर कट आपके पास रहे। दूसरा जब इसी px को दूसरे x प्लस टू से डिवाइड किया तो उस केस में कुछ अलग कोसेंट हो सकता है भाई जरूरी तो नहीं है कि एक ही कोसेंट होगा इसीलिए ये q को मैंने यहां पे q1 और q2 टाइप का लिख रहा हूं qx और कह रहा है कि रिमाइंडर आपका कुछ है रिमाइंडर कितना है देखो यहाँ पे माइनस वन तो रिमाइंडर आया माइनस वन बट ये तो सवाल की तरफ से है हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि जब x प्लस टू से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना होगा हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम से तो x प्लस टू को जीरो किया x बराबर कितना दिया माइनस टू तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ माइनस टू और इसकी वैल्यू है
माइनस वन, कितना आया है सवाल में दिया है पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू माइनस वन। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल का असली यही आपका मूल है, जड़ है, इन्हीं से हम सवाल आगे बात करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यही चीज है जो है, इसी के लिए मैं बार बार वहां पे फोकस करके आपको लिख दे चुका हूं अंडरलाइन करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट जो सवाल में तीसरी बात लिखा है, देखो तीसरी बात क्या लिखा है कि भाई रिमाइंडर बताना है, हम बताएंगे रिमाइंडर, चिंता ना करें, बताएंगे रिमाइंडर। आप अपने मन से कहें कि भाई बताएंगे रिमाइंडर कि कितने से डिवाइड होगा, x माइनस वन और x प्लस टू से। तो फिर से लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा आपका कि इसी px को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू से। अच्छा तो कोसेंट कुछ अलग आएगा, q3 इंटू एक्स आएगा और रिमाइंडर इस बार नहीं पता तो हमने कहा rx हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर नहीं पता तो हमने कहा rx हो जाएगा। तो जब rx हो जाएगा तो एक बात देखें कि अब एक चीज है कि सवाल में इस बार rx हमसे पूछ रहा है। अब एक एक चीज मैं बात बताता हूं, जो इधर पीछे में इतना लिखा हूं ये और ये। देखो जब हमने पहली बार एक डिग्री से डिवाइड किया, देखो ये लीनियर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कांस्टेंट आया है, यहां पे लीनियर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कांस्टेंट आया है, यहां पे अब जरा देखो तो डिवीजर की डिग्री क्या है भाई, डिवीजर की डिग्री क्या है जरा हमको देख के बताओ। तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई किया जाए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी डिग्री टू आ गई। मतलब ये आपकी डिग्री इसकी, या हम ऐसे कहें कि ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये डिवीजर जो है डिवीजर इज क्वाड्रेटिक, और डिवीजर क्वाड्रेटिक हो गया देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसके लिए, Rx कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारे लिए ax plus b हो जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर हो गया यहां से, मतलब अब इसको नाउ हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को कि ये px बराबर हो गया q3x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस, ये हम लिख दिए अब ए एक्स प्लस बी। ये देखो ये फाइनली इतना हमने लिख दिया, अभी सवाल बना नहीं है, अभी मैं आराम से चल रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना, जानबूझ के यहां पे मैं टाइम ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब जरा देखो तो ये आपका आ चुका है, अब आपके यूज के लिए कितनी चीजें हैं यहाँ पे, जरा देखो यूज के लिए कितनी चीजें हैं यहाँ पे। एक बात अपने पास है, एक चीज है अपने पास कि p ऑफ 1 इक्वल टू 5 और p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। मतलब x के जगह पे 1 रखो, पहली वाली इक्वेशन का यूज करने वाला हूं मैं, अब इसका यूज करने वाला हूं, x के जगह पे क्या रखूंगा मैं, ध्यान से देखो x के जगह पे 1, तो यहां पे x के जगह पे मैं 1 रखने जा रहा हूं। देखो तो बच्चों x के जगह पे मैंने रखा 1, मतलब p ऑफ 1 निकाला, क्या हो गया q3 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस a इंटू 1 प्लस b। जरा एक लाइन और सॉल्व करते हैं, p ऑफ 1 की वैल्यू सवाल की तरफ से कितना दे रखा है 5, p ऑफ 1 सवाल की तरफ से कितना दे रखा है 5। अब चलिए देखो 1 में से 1 निकला, q ऑफ 3 1 इंटू 0 इंटू माइनस वन प्लस ए प्लस बी, जरा देखो तो ये पूरा जीरो लपेट लिया, सबको खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास कि फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक इक्वेशन आया ए और बी में, ठीक है। अभी ये चीज खत्म नहीं होती है, नेक्स्ट पे जरा हम बात करते हैं कि अभी तो ये आपने सिर्फ एक इक्वेशन का यूज किया है, किसका, पी या फाइव इसका यूज किया है, अभी तो दूसरा वाला बचा ही है, उसका भी यूज करेंगे, ठीक है। जरा दूसरा वाला यूज करते हैं, इधर जरा देखते इधर यूज करते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा यहां पे। देखो बच्चों ये हो जाएगा जब सेकेंड वाली चीज यूज करने जा रहे हैं कि पी ऑफ माइनस टू बराबर पी ऑफ माइनस टू बराबर माइनस वन है, मतलब एक जगह और गिवेन था पी ऑफ माइनस टू बराबर माइनस वन, मतलब हर एक एक्स के जगह पे माइनस टू रखा, तो यहां पे हमने पी ऑफ माइनस टू रखा, क्यू थ्री माइनस टू, ये देखो वहां पे आया टू माइनस वन, फिर ये माइनस टू प्लस टू, और
सॉरी यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे प्लस है बच्चों, यहाँ दिखाओ, यहाँ प्लस है, यहाँ बच्चों यहाँ पे गलती से लिखा गया है प्लस है, ये आपका प्लस है, ये गलत लिखा दिया गया है लिखने में भाई, टाइपिंग मिस्टेक मतलब ये एरर है, ये यहाँ पे x प्लस टू दे रखा है तो x प्लस टू है, तो ये x प्लस टू तो यहाँ पे ये माइनस टू प्लस टू, यहाँ पे भी आपका ये थ्री हो जाएगा तब, तो ये आपका माइनस टू प्लस टू हो गया प्लस a इंटू माइनस टू प्लस p, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस टू, ये आपका हो गया, आप देखो तो पूरा मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्या, जीरो, यहां से यहां तक पूरा जीरो हो गया, क्योंकि ये जीरो हुआ तो सबको जीरो में लपेट लिया, आंसर आया माइनस टू प्लस माइनस टू ए प्लस बी, और लकीली इसके जगह पे भी मैं रख दे रहा हूँ यहीं पे माइनस वन, देखो क्या आया यहाँ से बच्चों, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, एक ये इक्वेशन है, एक पहले से आई हुई है ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, देखो ये वाली इक्वेशन का नाम मैं सेकेंड रख देता हूँ, और जरा इधर दिखा दीजिए, इधर मैंने इसका नाम लिखता हूँ फर्स्ट, इस इक्वेशन का नाम है, इस इक्वेशन का नाम मैंने फर्स्ट लिखा और ये वाली इक्वेशन सेकंड लिखा, तो ये पहले और दूसरे को मतलब मैं यहां से सॉल्व करने वाला हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कर दिया यहां से घटा दिया, घटाते ये कटा, ये कटा, ये माइनस थ्री ए हो गया, ये आपका माइनस सिक्स हो गया, ए की वैल्यू आपकी टू आ गई, ए इक्वल टू टू आ गई, तो बी इक्वल टू सबको दिख रहा होगा कि थ्री होना चाहिए, किसी में से रख के निकालने यहां रख दिया, तो ये टू टू जब फोर, फोर उधर जाके चला बन गया प्लस थ्री बन गया, तो ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री, तो बताओ आर एक्स कितना हो गया, क्या आर एक्स ए एक्स प्लस बी था क्या रिमाइंडर, मतलब 2a प्लस थ्री, देखो तो रिमाइंडर 2a सॉरी 2x प्लस थ्री, ये कहां से 2x प्लस थ्री, 2a के जगह पे और x के जगह पे x प्लस थ्री, तो जो आज के दिन में यही सवाल मैं पूछ रहा था कि रिमाइंडर कितना होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 2x प्लस थ्री, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका रिमाइंडर तरीका, देख लो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, मैंने पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम लिया है, अब सवाल में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको ध्यान से एक एक बातें देखना है कि लिखने का बस तरीका पता होना चाहिए, और जो सवाल में गिवेन है वो ये वाला टर्म लिखने का तरीका होना चाहिए, बस इतना आपको आ रहा है, सवाल आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं अब।